Hello viewers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So, आज हम बात करेंगे मून जब बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में आता है तब क्या होता है. थर्ड हाउस जो है उसका संबंध हमारे डेली के काम से है. जो भी हम डेली का काम करते हैं, जो भी हम वर्बल टॉक करते हैं या जो भी हमारा हैंड स्किल है या जो भी हम ऑफिस में जाके जो काम करते हैं या अपने कुलीग्स के साथ जो काम करते हैं, जैसे मीटिंग हो गया, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया या जो भी हमारा ऑफिशियल वर्क है डेली का, उसका संबंध थर्ड हाउस से. थर्ड हाउस का संबंध हमारे सिबलिंग से, थर्ड हाउस का संबंध हमारे नेबर से है और थर्ड हाउस का संबंध शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल से भी है. मून जब बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में आता है तो मून क्या है? मून हमारा माइंड है, हमारा मूड है. जो भी हम हर पल सोचते हैं और जो भी हमारे अंदर जो करने की इच्छा होती है किसी भी काम को, वो मून है. क्योंकि मून इतना ज़्यादा खास है कि विदाउट मून आप किसी भी चीज़ को कर नहीं पाओगे. और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे खास जो है वो मून है. लाइक जैसे राहु क्या है? डिज़ायर है. तो कोई भी अगर हम डिज़ायर अगर चाहते हैं अपनी पूरी करनी, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने मूड को देखना होगा. अगर आपका मूड नहीं है किसी काम को करने के लिए तो आप उस काम को करोगे नहीं. तो जब आप काम को करोगे नहीं तो डिज़ायर आपकी पूरी होगी नहीं. वीनस आपका इंटरेस्ट है. लाइक जैसे आप कोई सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो या पेंटर बनना चाहते हो, तो जब तक आपका मूड नहीं है आप उस काम को कैसे करोगे? तो जब तक आप काम नहीं करोगे आपको सक्सेस मिलेगी नहीं. तो डेली का जो भी हमारा काम है ना, उसमें मूड का होना बहुत ज़रूरी है. और जो मूड है वो मून है. यानी लाइफ के जिस पार्ट को आप बहुत ज़्यादा सोच के करते हो या अपने मन से करते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई गेम हो या खाना बनाना हो या सोना हो या फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमना हो या एजुकेशन संबंधित कोई काम हो या ऑफिशियल वर्क कोई हो, कोई भी चीज़ अगर है, जब तक आपका मूड नहीं है आप उस काम को नहीं करोगे. और आप काम को करोगे नहीं तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं. तो मून जब बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में आता है तो थर्ड हाउस का संबंध हो गया हमारा डेली का कम्युनिकेशन और डेली का हमारा जो हैंड स्किल होता है और जो हमारा जो मैनेजमेंट होता है, जो भी हम ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं या जो डेली की चीज़ें जो हम मैनेज करते हैं, किसी से बात करना है, चाहे वो टेलीफोन से हो, चाहे वो आपके मोबाइल से हो, चाहे वो आपके कोई भी, जैसे आपका आपने मान लो जैसे आप चिट्ठी वगैरह लिख के कहीं भेजते हैं, टेलीग्राम भेजते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ थर्ड हाउस है. तो हम थर्ड हाउस की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं. अगर मून हमारा थर्ड हाउस में है तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे अपने कोवर्कर के साथ, हम बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे अपने डेली के काम से. हमारा जो भी ऑफिशियल जो वर्क होगा हम उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे अपने मूड को लेकर. यानी कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे अपने डेली के काम को लेकर, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, चाहे वो ऑफिस में काम करना है, चाहे वो अपने कुलीग्स के साथ काम करना है, चाहे आप मार्केटिंग करते हो या सेल्स करते हो, तो आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे. क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी करेंगी. अगर उनमें लॉस आ जाता है या मान लो किसी कारणवश कोई रुकावट आ जाती है, तो आप अंदर से बहुत अपने आप को कमज़ोर फील करोगे, बहुत अपने आप को अकेला फील करोगे. दूसरा दूसरा जो मून है उसका संबंध कुंडली के फोर्थ हाउस से है. यानी बर्थ चार्ट का जो फोर्थ हाउस होता है उसका संबंध मून से होता है. वो मून का अपना ओन घर है, ओन हाउस है. फोर्थ हाउस हमारा सुख है. जो भी हमारा कंफर्ट है, जो भी हमारा सुख है, चाहे वो गाड़ी का है, घर का है, मदर का है, या जिस चीज़ से भी हम सुख फील करते हैं वो फोर्थ हाउस है. तो मून जो है फोर्थ हाउस का कारक है. यानी फोर्थ हाउस की जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं मून की एनर्जी के कारण मिलती हैं. तो मून अगर थर्ड हाउस में है तो वो फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस चला गया. तो यहाँ कहीं ना कहीं मून अपनी चीज़ों को लॉस कर देगा. यानी फोर्थ हाउस की चीज़ें जो हैं उसका नुकसान हो जाएगा. यानी आपके कंफर्ट का नुकसान हो जाएगा और आपके सुख का नुकसान हो जाएगा.
सुख का नुकसान ये नहीं कि आपकी सारी चीजें डैमेज हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। नुकसान ऐसे होगा कि जैसे फोर्थ हाउस से संबंध हमारे कंफर्ट से, हमारे घर से और हमारे सुख से, और थर्ड हाउस जो है वो जेमिनी का घर है यानी मरकरी का घर है, तो मरकरी का काम है मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट में घूमना, मार्केट को समझना, एड वगैरह देना, सेल्स के बारे में ध्यान रखना, और डेली का जो हमारा ऑफिस का जो सिस्टम होता है यानी जो भी मीटिंग है या जो भी हमारा ऑफिशियल वर्क है उसका संबंध थर्ड हाउस है। तो मून जो आपका माइंड है वो ऐसी जगह जाकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर मूड ये होता है कि हम बहुत ही एकांत में और बहुत ही शांत तरीके से रहें, बहुत आराम से रहें, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो, दौड़ते हो, भागते हो, चीज़ों को पता करते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपका सुख है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता है, खराब होता है। इसलिए मून जो अपने से ट्वेल्थ हाउस चला गया यानी मरकरी के घर में चला गया, तो मरकरी का जो रिलेशन है वो है चीज़ों को मैनेज करने से, डेली का जो भी काम होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है उसको जो है जो जेमिनी जो साइन है उसको मैनेज करता है। तो मून हमारा जो मून है हमारा माइंड है, तो मून जब जेमिनी साइन के ऊपर जाता है तो मून कहीं ना कहीं वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मून को वहाँ पर मरकरी के हिसाब से काम करना पड़ता है, और मरकरी जो है वो चीज़ों में नफा नुकसान सारी चीज़ देखता है। मरकरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और मून जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों जब चीज़ें आपस में मिलती है तो कहीं ना कहीं मून यहाँ पर अपने कंफर्ट को खोता है। दूसरा, थर्ड हाउस में अगर मून के साथ मान लो आपका किसी अदर प्लैनेट्स का अगर कंजक्शन होता है, जैसे मान लो आपका सन का अगर कंजक्शन हो जाता है थर्ड हाउस में, तो जो भी डेली का जो आपका काम होगा आप उस काम में बहुत ज़्यादा डायनेमिक होंगे और बहुत ज़्यादा अपने बारे में आप चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे, यानी जो भी आपके साथ जो लोग काम करते हैं आप उन लोगों को ज़्यादा नहीं वैल्यू दोगे और कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को सबसे आगे रखोगे। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि लोग हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाए, या लोगों को ये लगे कि आप तो हर टाइम अपनी बातों को तवज्जो देते हो और किसी की बात सुनते नहीं हो, ठीक है ना। और दूसरा चीज़, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शो करना चाहेंगे, तो उसके कारण लोग आपको ज़्यादातर पसंद नहीं करेंगे। अब मून का कंजक्शन हो जाता है मान लो आपका वीनस के साथ, तो आप अपने काम के अंदर कुछ ना कुछ कंफर्ट जरूर देखोगे, मतलब जहाँ भी आप काम करोगे वहाँ ये देखोगे कि काम के अंदर जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ एसी भी हो और वहाँ सारी चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो, ठीक है ना। और वहाँ अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी तो आप कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आपका जो काम होना चाहिए जहाँ भी आप काम करते हो, मून और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है थर्ड हाउस में, तो जो आपका काम हो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, बहुत ही साफ हो, जहाँ बहुत ही आप कंफर्ट फील करो और कंफर्टेबल तरीके से वहाँ पर काम कर सको, अदरवाइज आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। अब मून का अगर मान लो कंजक्शन हो जाता है सैटर्न के साथ, तो सैटर्न अगर थर्ड हाउस में आता है तो थर्ड हाउस का संबंध होता है हमारे कोवर्कर से, तो सैटर्न थर्ड हाउस की चीज़ों को थोड़ा सा ब्लॉक करता है 35 तक। तो जो भी आपके कोवर्कर्स हैं, जो भी आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो अच्छा बन नहीं पाएगा, और जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं बन पाएगा। ज़्यादातर जो आपकी मीटिंग्स हैं वो सारी डिले होती चली जाएंगी। मार्केट में आप कुछ भी काम करते हो, ऐड देते हो या ऐड से संबंधित कोई काम करते हो, सेल से संबंधित कोई काम करते हो, तो सैटर्न उस चीज़ को स्लो कर देगा, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करोगे अपने आप को और बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बन जाओगे आप काम करने के लिए। आप काम को बहुत ही मेहनत करके करना चाहोगे, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा वो 35 के तो बहुत ही कम मिलेगा। अब मून का अगर कंजक्शन हो जाता है मान लो मार्स के साथ, तो मार्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का होता है, तो मार्स चीज़ों को कॉन्कर करना चाहता है। दूसरा, मून जो है आपका मूड है, मार्स जो है आपकी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को पाना चाहोगे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे। तो थर्ड हाउस के लिए कहीं ना कहीं मून और मार्स की पोजीशन अच्छी मानी जाती है, क्योंकि थर्ड हाउस का संबंध हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से है, एडवर्टीजमेंट से है, मीडिया से है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जहाँ आपका मूड भी है और जहाँ आपकी एनर्जी भी इन्वेस्ट हो रही है तो वो चीज़ आपकी अच्छी होगी।
बट कहीं ना कहीं ये सिबलिंग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपके सिबलिंग्स हैं हो सकता है आप फोर्सिबली उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव डालें काम करने का या अपनी चीज़ों को करवाने का, जिसके कारण जो आपका रिलेशन ख़राब हो जाए। जो भी आपके टीममेट हैं आप हो सकता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दो काम का, जिसके कारण हो सकता है आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ जाए। अब मून का अगर कंजेशन हो जाता है मान लो मरकरी के साथ, तो मरकरी हमारा माइंड है, जो भी हम नफा नुकसान जो सोचते हैं वो मरकरी है, मून हमारा मूड है। तो मरकरी के साथ अगर मून का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो आप अपने डेली के काम को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, यानी इमोशनल क्या, आप बहुत ज़्यादा मूडी हो जाएंगे, यानी जो आपका मन करेगा जो आपका मूड करेगा आप ऐसा काम करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए मून और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन थोड़ा उसमें सही नहीं है। अगर मान लो आप राइटर हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा वो है कॉम्बिनेशन, क्योंकि मरकरी कहाँ कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग स्किल है, और मरकरी यहाँ पर अपने ऑन साइन में ऑन हाउस में है, तो मरकरी को यहाँ पूरा स्ट्रेंथ मिलेगा। और मून क्या है, मून आपका माइंड है, आपका मूड है, तो आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा योग है। अब मून का संबंध मान लो राहु के साथ हो जाता है यहाँ थर्ड हाउस में, तो राहु के साथ मून का संबंध हो जाता है तो आप किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, सही तरीके से, झूठ से, सच से, किसी भी तरीके से आप जो डेली का आपका काम है या जो डेली की जो आपकी जो सेल है, मार्केटिंग है, आप उसमें बहुत वैसे काम करोगे कि जैसे आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा भूखे हो। बट आपको यह सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वहाँ पर राहु जो है वो अपनी बेस्ट पोजीशन में माना जाता है, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो जेमिनी का घर है और जेमिनी में राहु कहीं ना कहीं अपने एग्जल्टेशन में होता है। तो यहाँ हो सकता है आप झूठ सच करके लोगों को अपना सामान बेच दो, अपने सामान के अंदर इतनी खूबियाँ बताओ जितनी खूबियाँ ना हो, तो उतनी खूबियाँ बता के आप अपने सामान को मार्केट में सेल कर दो। और जो डेली का आपका काम होगा आप बहुत ज़्यादा उसमें इंटेंस होंगे अपने काम को लेकर, आप रेस्टलेस किस्म के होंगे, आप रेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे। और एड से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, या जैसे आपका थर्ड हाउस का संबंध आपका फिल्म लाइन से भी है, फिल्म लाइन मतलब शॉर्ट फिल्म जो होती हैं जैसे टीवी सीरियल्स वगैरह हो गया, उसमें भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। डेली का जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसमें भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों के लिए राहु अगर मून के साथ अगर थर्ड हाउस में है तो आपको काफ़ी फेम देता है थर्ड हाउस की चीज़ों को लेकर। अब मून का अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है मान लो केतु के साथ, तो केतु जो है वो ज़्यादा चीज़ों को मैनेज नहीं करना चाहता। केतु जो भी हमारा जो मैनेजमेंट है ना उसको केतु लाइक नहीं करता, बिकॉज केतु जो है वो बहुत ही फ्री रहना पसंद करता है। केतु को मैनेजमेंट से, आपका एडवर्टीजमेंट से, सेल से, मार्केटिंग से, रिलेशन से, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। तो केतु अगर मून के साथ थर्ड हाउस में आता है तो आप बहुत ज़्यादा मूडी किस्म के हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी अर्ली लाइफ होगी उसमें आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे जिनका संबंध थर्ड हाउस है। लेकिन धीरे 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 करके आप कहीं ना कहीं आगे चल के फिर इन चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो वहाँ होगा जहाँ पर राहु बैठा है, यानी नाइन्थ हाउस में, रिलीजन में, धर्मा में, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जो भी हायर बिलीव्स होती हैं, जो भी हायर कोर्सेज होते हैं, हायर आपका लर्निंग होता है, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, गॉड को जानना, भगवान को जानना, रिलीजन को जानना, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। बट केतु यहाँ पर आपको इन चीज़ों से डिटैच कर देता है और आपको सेपरेट कर देता है अपने कोवर्कर से और अपने सिबलिंग से। मून अगर थर्ड हाउस में है तो अगर हम मान लो मून को अगर एसेंडेंट बनाते हैं, जैसे हम चंद्र कुंडली जिसको बोलते हैं ना, चंद्र चार्ट जिसको बोलते हैं, अगर उसके हिसाब से मान लो हम मून को अगर एसेंडेंट बनाते हैं तो जो आपका नाइन्थ हाउस है वो सेवन्थ हाउस बन जाता है। यानी मून अगर आपके मान लो थर्ड हाउस में है तो जो नाइन्थ हाउस है वो थर्ड हाउस से सेवन्थ हाउस हो गया, तो नाइन्थ हाउस का संबंध आपके लाइफ पार्टनर से हो गया। अगर मून चार्ट को हम बनाते हैं, यानी मून को अगर हम एसेंडेंट बना देते हैं तो जो नाइन्थ हाउस है वो सेवन्थ हाउस बन जाता है। तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होगा, वो हायर कोर्सेज और जो भी हमारा रिलीजन होता है, जो भी हमारा धर्मा होता है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानने में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। गॉड क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है,
ठीक है ना, इन सब चीज़ों को उसको जानने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, जो भी आपका फर्स्ट स्पाउस होगा। अक्सर आप उनको ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे जिसका संबंध हमारे रिचुअल से, हमारे धर्मा से, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होगा और इन चीज़ों में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। मून अगर थर्ड हाउस में है तो जो टेंथ हाउस है उससे मून अपने सिक्स्थ हाउस चला गया है, यानी टेंथ हाउस आपका स्टेटस, आपका डेली का काम, जिससे भी लोग आपको पहचानते हैं वो आपका टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस आपका कर्म भाव है, टेंथ हाउस आपका वर्क एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप काम करते हो या जो भी आप काम करते हो वो आपका टेंथ हाउस है। मून जब टेंथ हाउस से सिक्स्थ हाउस चला जाता है तो टेंथ हाउस की चीज़ें कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती हैं, यानी जो भी आपका स्टेटस है उसमें बीच में कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी, आपको उथल पुथल आती रहेगी, ठीक है ना। हो सकता है कभी आपका नाम बहुत ज़्यादा हो जाए और कभी आपका नाम बदनाम हो जाए, और जो भी आप काम करेंगे उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, और जो आपका स्टेटस है वो बीच बीच में हो सकता है डैमेज हो जाए, या बीच बीच में हो सकता है ख़राब हो जाए या डिस्टर्ब आप हो जाएँ अपने स्टेटस को लेके और अपने काम को लेके। आपको ये समझ नहीं आएगा कि जो भी आप काम करते हो उसमें इतनी अड़चनें क्यों आ जाती हैं, इतनी दिक्कतें क्यों आ जाती हैं, इतनी परेशानियाँ क्यों आ जाती हैं, क्योंकि आप अपने काम के अंदर सिक्स्थ हाउस की चीज़ों को इन्वॉल्व कर लो। सिक्स्थ हाउस हो गया आपका ब्राइबरी, सिक्स्थ हाउस हो गया आपका पॉल्यूशन, सिक्स्थ हाउस हो गया आपका क्राइम, तो हो सकता है आप अपने काम के अंदर कुछ गलत चीज़ों को इन्वॉल्व कर लो या गलत लोगों के साथ आप रिलेशन बना लो, जिसके चक्कर में हो सकता है आपका नाम और स्टेटस, आपका जो काम है वो हो सकता है बीच बीच में खराब हो जाए। तो दोस्तों, आज हमने आपको ये बताया कि मून अगर बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका मून आपके बर्थ चार्ट में आपको कैसे बेनिफिट करा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मून को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।